नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार। साथियों, आप सभी का जागो पंच में बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच लगातार आपके लिए लेकर आ रहा है अंधविश्वास और पाखंड की पोल खोल। इसी पोल खोल के संदर्भ में आज भी आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया है, जिसमें हमारे ओबीसी भाई श्री कृष्ण को अपना आराध्य, श्री कृष्ण को अपना भगवान मानते हैं, और हमारे यादव भाई जो यादव जात से बिलोंग करते हैं, वह श्री कृष्ण को अपना भगवान, उनका वंश ऐसा मतलब सराबोर रहते हैं कि उन्हें तनिक भी ये एहसास नहीं कि यदि वो उनके वंशज हैं और यदि श्री कृष्ण के वो अपने आप को वंश मानते हैं तो कैसे वो श्री कृष्ण पर लगाए गए लांछन को बर्दाश्त करते हैं। तो आज मैं दो पुस्तकों को लेके आया हूं। क्या भगवान का चरित्र ऐसा होता है? क्या हमारे यदि श्री कृष्ण जो श्री कृष्ण के वंशज हैं, क्या वो अपने वंश का चरित्र हनन क्या यूं ही बर्दाश्त करेंगे? तो सबसे पहले आज जब तक हम इन दोनों पुराणों का रेफरेंस नहीं देंगे, तब तक हमारे लोग भी ये एहसास नहीं करेंगे कि पुराणों में किस हद तक गंदगी भरी है। तो आज जो पुराण लेके आए हैं, एक तो लेके आए हम भागवत पुराण और दूसरा लेके आए हैं विष्णु पुराण। तो भागवत पुराण श्री कृष्ण के ऊपर यहां तक लांछन लगाता है कि शायद यदि हमारे समाज में कोई व्यक्ति उसका आधा भी कर दे तो मॉब लिंचिंग हो जाती है और उसे मार दिया जाता है या उसे जेल हो जाती है। लेकिन आज हम, यानी हम तो यूं कहेंगे कि अगर मैं बोलूंगा तो लोगों को यह होगा कि नहीं, कि यह व्यक्ति बोल रहा है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि मैं ये सभी यादव भाइयों के लिए संदेश है, मात्र एक संदेश, कि श्री कृष्ण के ऊपर ये जो लांछन लगाया गया है भागवत पुराण में, इस भागवत पुराण का आप विरोध क्यों नहीं करते हैं? साफ साफ लिखा गया है कि वह गोपियों के अस्तन में हाथ लगाते थे, जांघों पे हाथ लगाते थे। क्या यह यादव, पूरा यादव समाज अपनी बहन बेटियों के साथ ये बर्दाश्त करेगा? या ये पूरा समाज कृष्ण को भगवान के रूप में इस रूप में स्वीकार करेगा कि क्या मेरा भगवान वह नारियों के गुप्तांगों, जांघों, स्तनों पर हाथ लगाता था? तो साथियों, देर ना करते हुए चलते हैं पुस्तक की ओर। विष्णु भागवत पुराण कहती क्या है? तो हम भागवत पुराण के दशम स्कंद की बात करते हैं। दशम स्कंद में क्या दिया हुआ है यह आपको बताते हैं। दशम स्कंद में हम बात करेंगे श्लोक नंबर 44 से, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा यदि हम विस्तृत पढ़ेंगे, लेकिन आपको यहां दिखाई भी दे रहा है तो आप इस चीज को समझें कि कैसे एक ईश्वर पर लांछन लगाया जाता है या एक जाति विशेष के भगवान पर लांछन लगाया जाता है या जाति विशेष के एक व्यक्ति पर लांछन लगाया जाता है और इस तरह का लांछन कुछ ही देवताओं पर है। तो आइए चलते हैं, हम बात करते हैं भागवत पुराण की। भागवत पुराण के श्लोक नंबर 44, 45, 46 की यह क्या कहता है? यह कहता है, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ यमुना जी के पावन पुलिन पर, पावन पुलिन मीन्स पावन तट पर
जो कपूर के समान चमकीली बालू से जगमगा रहा था पदार्पण किया। यानी यहां पर श्री कृष्ण आ जाते हैं, वह यमुना जी की तरल तरंगों के स्पर्श से शीतल और कुमुदनी की सहज सुगंध से सुवासित वायु के द्वारा सेवित हो रहा है। माहौल वहां का बहुत अच्छा है, मतलब इतना अच्छा है, इतना रमणीक बनाया हुआ है कि पूछिए मत। लेखक बड़ा मजेदार है, और लेखक कहता क्या है सबसे बड़ी बात है, लेखक ने कितने प्यारे शब्दों में श्री कृष्ण के कपड़े उतार लिए, श्री कृष्ण का सामाजिक चरित्र हनन कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे समाज के लोग इसे चरित्र हनन नहीं मानते। तो यह चरित्र हनन कैसे किया गया है यह ध्यान दीजिए। यहां पे कहा गया, उस आनंद प्रद पुलिन पर भगवान ने गोपियों के साथ क्रीड़ा की। चलिए, क्रीड़ा का मतलब खेलना से लगा लिया, लेकिन आगे चलिए, क्रीड़ा की, हाथ फैलाना, आलिंगन करना, गोपियों के हाथ दबाना, उनकी चोटी, जांघ, नीवी और अस्तन आदि का स्पर्श करना, विनोद करना, नक्षत्र करना, विनोदपूर्ण चितवन से देखना और मुस्काना, इन क्रियाओं के द्वारा गोपियों के दिव्य काम रस को, अब आप देखिए, परमोज्वल प्रेम भाव को उत्तेजित करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें क्रीड़ा द्वारा आनंदित किया करने लगे। अब यहां पर हम सभी देखते हैं, क्या हम भगवान को इस रूप में स्वीकार करेंगे? क्या श्री कृष्ण के ऊपर, जिस श्री कृष्ण ने मथुरा से लेकर द्वारिका तक अपना साम्राज्य खड़ा किया, या जो भी भाई मानते हैं, तो क्या वो मानते हैं कि उनके पूर्वज ऐसे रहे होंगे? ये अपने आप में बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। तो यहां पर ये शर्मिंदगी होनी भी चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो हम कहते हैं कि हम उनके पूर्वज हैं, और अपने पूर्वज पर इतना भयंकर और गंदा लांछन कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं। आइए, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट करके भी सुना रहा हूं, वही सुना रहा हूं जहां पर ये लिखा गया है उनके चरित्र हनन के बारे में। तो आइए अब बात करते हैं किसकी, भागवत पुराण की ही। भागवत पुराण में श्लोक नंबर है ये 16, 17, 18। तो इसमें क्या कह रहे हैं, श्री कृष्ण ने उनके गलों को अपने भुजपाश में बांध रखा था। उस समय गोपियों की बड़ी अपूर्व शोभा थी, उनके कानों में कमल के कुंडल शोभायमान थे, घुंघराली अलक में कपोलों पर लटक रही थी, पसीने की बूंदे झलकने से उनकी मुख की छटा निराली हो गई थी। वे रासमंडल में भगवान श्री कृष्ण के साथ नृत्य कर रही थी, उनके कंगन और पायजेब के बाजे बज रहे थे, भौंरे उनके सुरताल में सुर मिलाकर गा रहे थे, उनके जूड़े तथा चोटियों में गुथे हुए फूल गिरते जा रहे थे। परीक्षित जैसे नन्हा सा शिशु निर्विकार भाव से अपनी परछाई के साथ खेलता है, वैसे ही रमा रमण भगवान श्री कृष्ण उन्हें अपने हृदय से लगा लेते, कभी हाथ से उनका अंग स्पर्श करते, कभी प्रेम भरी तिरछी चितवन से उनकी ओर देखते, तो कभी लीला से उन्मुक्त होकर हंसी हंसने लगते। इस प्रकार उन्होंने ब्रज सुंदरियों के साथ क्रीड़ा की, विहार किया। भगवान ने के अंगों का संस्पर्श प्राप्त करके गोपियों की इंद्रिय प्रेम आनंद से विह्वल हो गई, उनके केश बिखर गए, फूलों के हार टूट गए और गहने अस्त व्यस्त हो गए। वे अपने केश, वस्त्र और कंचुकी को पूर्णतः संभालने में असमर्थ हो गई। अब यहां पर सवाल ये उठता है, लेखक कहता है कंचुकी, अब कंचुकी का अर्थ हमारे जो भाई हैं वह नहीं जानते होंगे। कंचुकी का अर्थ होता है चोली। अब जिन्होंने कंचुकी लिख दी
तो हमारे जो लोग हैं, हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो कंचुकी का, जो कंचुकी शब्द है इसका अंग मतलब जानते हैं। कंचुकी का मतलब होता है चोली, जो अंग वस्त्र चोली पहना जाता है उसे कंचुकी कहते हैं। तो जब अंदर के अंग वस्त्र ऊपर के जहां पर अस्तन है वहां के कपड़े हिल गए, खुल गए और वो उसे संभालने लगी, तो क्या श्री कृष्ण वहां पर आध्यात्मिक प्रेम कर रहे थे? क्या इसे हम आध्यात्मिक प्रेम कहेंगे? कौन है ऐसा जो अस्तन पे हाथ लगाए, जांग पे हाथ लगाए और कंचुकी खुली मिले? क्या मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, उसकी पत्नी किसी व्यक्ति के साथ बैठी हुई है और वो उसका पति अचानक आता है और उसके जो उसका जो उसकी पत्नी है उसका जो ब्लाउज है वह अस्त व्यस्त मिले, तो वह व्यक्ति अपने दिमाग में क्या सोचेगा? सोचेगा कि क्या यह व्यक्ति बैठ के मेरा जो साथी है, ये मित्र है, ये आध्यात्मिक प्रेम कर रहा था? या ये सोचेगा कि यह व्यक्ति संभोग की दिशा की तरफ जा रहा था? तो हमारे लिए यह समझने वाली बात है कि कृष्ण के ऊपर लांछन लगाने वाले ये होते कौन हैं? क्या ये यादव समाज ने, यादव जाति ने ये बात उठाई, या अंधानुकरण की दौड़ में, ब्राह्मणी साजिश में इस तरह शिकार हैं कि वह अपने पूर्वज को इस रूप में स्वीकार कर लेते हैं? यह बड़ा सवाल है। यह सवाल इसलिए मैं उठा रहा हूं क्योंकि यह पीड़ादायक लगता है, क्योंकि हमारे ही समाज के लोग इस पर कटाक्ष करते हैं, इस पर बोलते हैं, तो हमें भी इसका अध्ययन करना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए कि कैसे श्री कृष्ण को सभी लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि हम उनके वंशज हैं, वो हमारे पूर्वज हैं। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन जब हम बात करते हैं श्री कृष्ण की, तो वहां पर ये दो पुस्तकें साफ साफ लिख रही हैं श्री कृष्ण की चरित्रहीनता को, उनके ऊपर लगाए गए लांछन को। या तो ये चरित्रहीन थे, या फिर अगर ये चरित्रहीन नहीं थे तो ये दो पुस्तकें लिखने वाले कौन हैं? और ये हमारे समाज में आज भी अच्छा स्थान प्राप्त की हुई है श्रीमद् भागवत, तो हम इसे कैसे बर्दाश्त करेंगे अगर इसी तरह के ये कथावाचक, इसी तरह के ये ब्राह्मण घटनाएं कर जाएंगे आपकी पत्नी के साथ, आपकी बहन के साथ, आपकी बेटी के साथ? तो क्या आप इसे आध्यात्मिक प्रेम समझेंगे? तो साथियों, हम यहां पर बात कर रहे हैं कि श्री कृष्ण के ऊपर ये दोषारोपण क्यों किया गया, यह उनका चरित्र हनन क्यों किया गया, यह बड़ा सवाल है, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। यह समझने योग्य है कि यह समझाए कौन? यह समझाएगा कोई नहीं, क्योंकि आज सुस्पष्ट है, जैसे ही अखिलेश जी पर लांछन लगता है, मुलायम जी पे लांछन लगता है, तेजस्वी पे लांछन लगता है, लालू जी पे लांछन लगता है, उसी तरह ये इन पर भी लगा होगा। तो समझने वाली बात है, तो ये लांछन बर्दाश्त क्यों किया जाए? आज कोर्ट है, कोर्ट के जरिए इन दोनों पुस्तकों को चैलेंज कर इन पे प्रतिबंध लगवाया जाए कि ये दो पुस्तकें मार्केट में दिखाई ना दें, और दिखाई दें तो उस पे लिख दें कि ये पूर्णता काल्पनिक है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है और हमें उठाना होगा। तो आइए चलते हैं विष्णु पुराण के पंचम अंश की बात करते हैं। पंचम अंश भी क्या कहता है, पंचम अंश क्या आरोप लगाता है? तो यहां पे पंचम अंश लांछन जो लगा रहा है वह कह रहा है, श्लोक नंबर 58-59-60 से संदर्भ लेंगे आप, कृष्णचंद जितने रसोचित गान गाते थे
उससे दूने शब्दों में गोपियां धन्य कृष्ण कहती थी। अब लौटने पर, सामने जाने पर गोपियां उनके पीछे जाती, लौटने पर सामने चलती, इस प्रकार वे अनुलोम और प्रतिलोम गति से श्री हरि का साथ देती थी। श्री मधुसूदन भी गोपियों के साथ इस प्रकार रास क्रीड़ा करते थे कि उनके बिना एक क्षण भी गोपियों को करोड़ों वर्षों के समान बीतता था। ये रास रसिक गोपिकाएं पति, माता और भ्राता आदि के रोकने पर भी रात्रि में श्री श्याम सुंदर के साथ विहार करती थी। कौन सा व्यक्ति भारत में आज ऐसा है जो अपनी पत्नी को भेज देगा रास विहार करने के लिए? भारत में कोई भी माई का लाल ऐसा व्यक्ति हो तो हमसे मुलाकात जरूर करवाइएगा। आइए चलते हैं। अब यहां पर क्या कह रहे हैं, शत्रुहंता अमेयस्तम श्री मधुसूदन भी अपनी किशोरावस्था का मान करते हुए रात्रि के समय उनके साथ रमण करते थे। यही रमण शब्द पार्वती के साथ शिव रमण कर रहे थे तो भृगु ऋषि पहुंचे थे और उन दोनों के रमण करने के चक्कर में उन्होंने श्राप दे दिया था। रमण मीन्स संभोग है और हम लोग रमण का मतलब घूमना ही निकाल लेते हैं और ये घूमना बताते हैं, लेकिन एक जगह रमण का मतलब संभोग हो रहा है और दूसरी जगह रमण का मतलब घूमना बताते हैं, यह समझना होगा इनके रमण को। तो आइए चलते हैं, क्या कह रहे हैं, रात्रि के समय उनके साथ रमण करते थे। वे सर्वव्यापी ईश्वर श्री कृष्णचंद्र गोपियों में, उनके पतियों में तथा समस्त प्राणियों में आत्मस्वरूप वायु के समान व्याप्त थे। अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह उठती है कि ईश्वर भगवान को जब आध्यात्मिक प्रेम है तो जांघों पे हाथ लगाने की क्या जरूरत है, अस्तन पे हाथ लगाने की क्या जरूरत है? और जब रमण कर रहे हैं तो प्रेम कहां से हो रहा है? ये कौन सा प्रेम है जहां पे रमण आ रहा है, जिसे हम आध्यात्मिक प्रेम कहते हैं? तो ये दो पुस्तकें यादव जाति पर कलंक हैं, यदि वो कृष्ण को अपना वंशज कहते हैं। तो साथियों, आप सभी देख रहे हैं कि अंधविश्वास और पाखंड किस कदर हमारे समाज में परोसा गया है। केवल हमें अध्ययन करने की जरूरत है। तो इस अध्ययन में आप सभी अपने भी कदम थोड़ा सा आगे निकालें और इन पुस्तकों का अध्ययन करें। जब आप इन पुस्तकों का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे, यदि आप ये कहेंगे कि मैं उनका वंशज हूं, अगर ये कहते हैं कि मैं उनका वंशज हूं और अपने वंशज पे हमें गर्व होना चाहिए, फक्र होना चाहिए, और हमारे वंशज पे जिसके हैं हम, उनके ऊपर इस तरह चरित्र का दोषारोपण किया गया हो, तो क्या हम अपने पूर्वजों पर चरित्र का दोषारोपण बर्दाश्त कर लेंगे? तो यहां मैं अपने ओबीसी एससी समाज को संदेश देना चाहता हूं, जो ये राधे राधे भजने में लगे हुए हैं, उन्हें ये संदेश देना चाहता हूं कि आप सबसे पहले, यदि आप श्री कृष्ण के वंशज हैं, तो सबसे पहले आप मथुरा पर अपना आधिपत्य बनाइए, मथुरा पर अपने आप, आपका वंशज, आप अपने वंश की पूजा खुद नहीं कर पा रहे हैं, दूसरी तरफ आपके वंशज पर इतना बड़ा लांछन लगाया गया आप बर्दाश्त कर ले रहे हैं, यानी आगे भी आपके साथ ऐसे कुछ हो जाएगा आप बर्दाश्त कर लेंगे, क्या यही आपका गुण है विशेष? तो साथियों,
ये विशेष गुण नहीं। आप खड़े होइए, आप उठिए, आप जागिए, आप पढ़िए, जिससे आपके अंदर का ये अंधकार साफ हो। यदि आप उन्हें वंशज मानते हैं तो अपने वंश पे लगे हुए लांछन को धोने का काम करिए, और नहीं धो पाते हैं तो आप उनके उत्तराधिकारी, उनके वंशज कहलाने लायक नहीं हैं। शेम ऑन यू। तो साथियों, ये मेरे वक्तव्य नहीं थे, जितना भी मैंने आपको पढ़ के सुनाया ये मेरे विचार नहीं थे, ये थे विचार भागवत पुराण के और विष्णु पुराण के। तो साथियों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, और जो नए साथी हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारा वीडियो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए आप तक और आप पहले देख लें। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।